हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। प्राइमरी मार्केट में एक के बाद एक लगातार आईपीओ क्यूज़ में लगे हुए हैं और एक के बाद एक दमदार लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल के आईपीओ की बात करें तो आईआरएफसी को हम छोड़ दें तो बाकी सारे आईपीओ में ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन इन्वेस्टर्स को मिला है। फ्रेंड्स, मंडे को और एक और आईपीओ न्यूरेका लिमिटेड का खुलने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इस आईपीओ में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें या नहीं, एप्लीकेशन लगाएं या नहीं, कंपनी की प्रोफाइल, करंट जीएमपी, वैल्यूएशन, सब के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड, सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है, कोई ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। 2016 में इस कंपनी का गठन हुआ था और कंपनी जो है हेल्थ केयर और वेलनेस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। डॉक्टर ट्रस्ट नाम की इनकी ब्रांड है। इसके प्रोडक्ट आपको doctortrust.in करके इनकी वेबसाइट है। रोहित शर्मा जो है इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे ई कॉमर्स पर इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। कुछ प्रोडक्ट लाइन की मैं इनकी बात करूं तो ऑक्सीमीटर हो गया, जो इंफ्रारेड थर्मामीटर हो गया, ये दोनों ऐसे डिवाइसेस हैं जो कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड में रहे हैं। इसके अलावा बीपी मॉनिटर मशीन हो गई, ग्लूकोमीटर हो गया, योगा मैट टाइप के डाइवर्सिफाइड और इनोवेटिव प्रोडक्ट ये कंपनी जो है बनाती है, डॉक्टर ट्रस्ट ब्रांड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है, मार्केटिंग करती है और काफ़ी पॉपुलर हैं इनके प्रोडक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट पर। फ्रेंड्स, ये अपनी ही तरह की पहली ऐसी कंपनी है जिसका जो है रिटेल बिजनेस है, मतलब पूरा बिजनेस ई कॉमर्स पर है और जो है फिजिकल आउटलेट में इसके प्रोडक्ट कम आपको दिखाई देंगे। इनकी ज़्यादातर प्रेजेंस डिजिटली है। आज की डेट में जिस तरह से ट्रेंड बदल रहा है, बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेल होती हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, उसमें से इनकी ब्रांड डॉक्टर ट्रस्ट एक है। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि इस कंपनी का कोई पीयर मार्केट में अवेलेबल नहीं है और अपनी ही तरह की ये कंपनी है। फ्रेंड्स, बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, मेडिकल इक्विपमेंट से लेके जो है होम वेलनेस के काफ़ी सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। प्रमोटर एक्सपीरियंस्ड है, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। आप फ्लिपकार्ट पे देखिए, इनके प्रोडक्ट्स की रेटिंग देखिए, बहुत अच्छी रेटिंग है, क्वालिटी बढ़िया है प्रोडक्ट्स की और बहुत डिमांड में है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं इनकी वेबसाइट doctortrust.in एक्सप्लोर कर रहा था और मैंने देखा कि प्रोडक्ट की जो इनकी रेंज है, जो प्राइस है, वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलरली ऐसा सेक्टर है जिसमें कॉम्पिटिशन बहुत है, चाइनीज कंपनी भी बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर उस कॉम्पिटिशन में ये प्राइस में जो है बिल्कुल जो है उनको कम्पीट करती है, एक अच्छी प्राइसिंग में अच्छे प्रोडक्ट ये कंपनी अवेलेबल कराती है। और फ्रेंड्स, काफ़ी हद तक ये प्रोडक्ट काफ़ी डिमांडिंग भी है। जिस तरह से लोगों की सोच और लाइफ स्टाइल में कोरोना पैंडमिक के बाद बदलाव आया है, इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है और फ्यूचर में भी जो है इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा रहेगी। जिस तरह से हेल्थ केयर को लेके लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, 15 फरवरी को ये आईपीओ ओपन हो रहा है, 17 फरवरी को आईपीओ क्लोज हो रहा है। बहुत ही छोटा आईपीओ है, 100 करोड़ के आसपास का जो है टोटल आईपीओ साइज है। फ्रेश इश्यू भी 100 करोड़ का है, गलती से ये 300 करोड़ लिख गया है, टाइपो एरर है। 100 करोड़ के फ्रेश शेयर कंपनी इशू कर रही है, 35 शेयर का लॉट है और 396 से 400 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। फ्रेंड्स, कोई भी स्टॉक कंपनी के बारे में हम बात करते हैं, वो अच्छा या बेकार उसके वैल्यूएशन से होता है। तो इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करें तो 2018 से 2019 के बीच में कंपनी की जो सेल है वो लगभग 200% के आसपास बढ़ी है और 19 से 20 के बीच में 60% के आसपास बढ़ी है। मोटा मोटा FY20 में जो कंपनी की सेल है वो 100 करोड़ के आसपास रही है। उसके कंपैरिजन में 2021 के फर्स्ट हाफ में ही अप टू सितंबर 2020 यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट हाफ में इनकी सेल 122 करोड़ के आसपास रही है, जिसका रीज़न था कि कोरोना के टाइम पे ऑक्सीमीटर्स, इंफ्रारेड थर्मामीटर्स और जो बीपी मॉनिटरिंग डिवाइस है, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, स्पेशली ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर तो
आप समझ लीजिए कि जो नॉर्मल प्राइस उनका चला करता था उससे तीन तीन चार चार गुना रेट पर भी स्टार्टिंग में सेल हुए हैं। तो वहां से स्ट्रांग बूस्ट मिला है, जहां पर जो है 122 करोड़ की सेल इन्होंने पहले हाफ ईयर में ही कर दी और 36 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो है इनका आया है। मोटा मोटा आप मान के चलिए कि FY21 में 200 करोड़ के आसपास की सेल ये कंपनी कर सकती है। और इशू के बाद में, फ्रेश शेयर इशू होने के बाद में अपर बैंड पर, जो लिस्टिंग के बाद अगर इशू प्राइस अपर बैंड की हम बात करें, 400 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैपिटल बैठती है। अगर EPS PE के टर्म पे बात करें तो अपर बैंड 400 रुपये पे बात करें तो लगभग 47 गुना जो FY20 का EPS है, 8 रुपये 53 पैसे इशू प्राइस है। हाउएवर 100 करोड़ रुपीज़ के शेयर के नए इशू कर रहे हैं तो इक्विटी डाइल्यूशन के बाद लगभग 6 रुपये 40 पैसे EPS बैठता है। FY20 से कंपेयर करें तो 62-63 के आसपास के PE पे जो है ये अपर बैंड पर ये इशू आ रहा है। हाउएवर FY21 में जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है, FY21 के बेसिस पर इशू जो है अट्रैक्टिवली प्राइज्ड है, पर वहां पर कोरोना की वजह से सेल में इतने जंप देखने को मिली है, वो परफॉर्मेंस कंपनी के लिए आगे कंटिन्यूसली डिलीवर करना बहुत मुश्किल है। प्राइस टू बुक वैल्यू के फ्रंट पे अगर हम बात करें तो 187 के आसपास इसकी बुक वैल्यू बैठती है इक्विटी डाइल्यूशन के बाद में, तो अपर प्राइस बैंड पे 2.25 गुना के आसपास जो है ये इशू आ रहा है। इन्होंने अभी एंकर अलॉटमेंट भी किया है लास्ट वीक, जहां पे नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर फंड ने लगभग जो है 10 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं, जो कि एंकर पोर्शन का 23% के आसपास है। फ्रेंड्स, यहां पर एंकर बुक में कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, इशू साइज भी बहुत ज़्यादा छोटा है, और इसके अलावा जो है ग्रे मार्केट में भी कोई ज़्यादा हलचल नहीं है इस इशू को लेके, क्योंकि इशू का साइज जो है वो बहुत छोटा है और कंपनी भी बिल्कुल जो है नया वेंचर है। अब बात आती है स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये कि इशू का साइज बहुत छोटा है, तो यहाँ पर जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो आप समझ लीजिए लगभग लगभग ना के बराबर हैं। इसके अलावा जो है ये मार्केट जो है डिमांडिंग है, और जिस तरह से हेल्थ केयर प्रोडक्ट को लेके लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, जिस तरह से कोरोना पैंडमिक के बाद में लोगों की सोच में बदलाव हुआ है और हेल्थ को लेके लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा रहेगी। जैसे कि मैंने पहले बताया है, इनकी वाइड रेंज है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस है, तो कंपनी जो है एक पेस से ग्रो करती रहेगी और ये इंडस्ट्री भी इटसेल्फ ग्रो कर रही है। यहाँ पर फ्रेंड्स कोई इसका पीयर्स नहीं है, तो हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते कि किसी पीयर के कंपैरिजन में ये कंपनी जो है सस्ती है या महंगी है। हाउएवर इशू जो है फेयरली प्राइस्ड है, डिमांड को देखते हुए, ग्रोथ को देखते हुए एक लॉट रिटेल इन्वेस्टर को लगाना चाहिए, एक चांस ले सकते हैं। यहाँ डिस्काउंट के साथ ये IPO लिस्ट हो, इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। मार्केट में भी स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ है, उसको देखते हुए डिस्काउंट के साथ लिस्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। और इस तरह की कंपनीज में हमने देखा है, जो छोटे साइज की कंपनीज होती हैं और जो इस तरह का जो है बिजनेस होता है, जहाँ पर कोई लिस्टेड पीयर नहीं है, हमने देखा है कि अच्छा लिस्टिंग गेन भी पास्ट में देखने को मिला है, तो कंपनी की प्रोफाइल में कोई दिक्कत नहीं है, सेक्टर बहुत बढ़िया है, डिमांडिंग है, एक चांस आप ले सकते हैं, एक लॉट लगाइए। इशू काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा क्योंकि छोटा साइज है बहुत, एक चांस आप ले सकते हैं। अलॉटमेंट मिलता है तो यहाँ पर मान के चलिए एक लिस्टिंग गेन भी मार्केट के मोमेंटम और कंपनी प्रोफाइल को देख के आपको मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, बाकी जो है लिस्टिंग पर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम आपको लिस्टिंग से एक दिन पहले अपने चैनल पर बताएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई है, दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर कीजिए।